हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं खालिद, आपको मेरी चैनल अबान एक्शन पे खुश आमदेद। कल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की मैच था और जिस तरह लेजेंड और एमएस धोनी की नाम जब आते हैं तो क्या बात है। चाहे वो कीपिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, किसी से पीछे नहीं है वो। उम्र की लिहाज करें, अगर उम्र हो या ना हो, जस्ट नंबर, उनके पास उम्र की कोई रीजन ही नहीं है। उनकी फिटनेस, उनकी बैटिंग, उनकी सब कुछ परफेक्ट है। पाकिस्तान की फैन, क्रिकेट फैन की क्या राय है इनके बारे में, तो देखते हैं और सुनते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है एमएस धोनी के बारे में। बैटिंग देखी है, मैं बताता हूँ, पता है किन की वजह से हारी है। मैं आपको प्लेयर गिनाता हूँ बारी बारी है। गायकवाड़ देखो, रविंद्रा को देखो, रहाणे को देखो, डेविड मिचेल को देखो, शिवम दुबे को देखो, क्या करके गए हैं ये लोग यार। पूरी इनिंग इन लोगों ने खेली है। ये लोग क्या टेस्ट खेलने आए हैं? 3 छक्के मारे और आते साथ ही धोनी ने 3 छक्के अकेले ने मार दिए, टोटल 6 छक्के। अगर ये लोग पहले इनिंग में खेले जैसे धोनी ने आते साथ खेले तो आज तो सीएसके मैच जीत गई होती। मुझे ये दुख नहीं है कि आज आते साथ ही सीएसके अपना पहला मैच हार रही है। हार जीत हर मैच के अंदर होती है, लेकिन यार इन लोगों ने जो धोनी की टीम का नाम खराब कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये रविंद्रा के ऊपर लानत होनी चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके को हराया है, सही बात। कमबैक तो हो गया तो, लेकिन मतलब हार जीत हर रोज किसी न किसी की होती है, लेकिन आज मोमेंट ऑफ द डे जो था वो था धोनी का बैट। आज हमने धोनी का बैट देखा और इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकती। हम लोगों ने 16 बॉल्स देखी उसकी तरफ से, उसमें 37 उसने किया और उसने मतलब पूरी कोशिश की अपनी टीम। वो अगर उसकी टीम को जरूरत ना होती तो वो ना आता, लेकिन उसकी टीम को आज जरूरत थी, वरना वो पीछे से ही लीड कर रहा है हमेशा। सही बात, 8 नंबर पे आके इतना अच्छा खेल रहा है। हर लिहाज में एमएस धोनी लाइक, देखे ना कितनी बॉल्स आया कि बाकी प्लेयर्स ने, धोनी की एवरेज स्कोर कैसा लगा? मैं तो ये कहूंगी कि अगर यही धोनी की बैटिंग हमें पहले देखने को मिल जाती तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन वो अपनी टीम को जो है वो उसी तरह की मैच्योर क्रिकेट सिखाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मैं जब सीएसके को छोड़ के जाऊं तो सीएसके का लेवल वही रहे, गिर ना जाए, इसलिए वो लीड करता था हमेशा पीछे से, लेकिन अब उसने जो है वो फ्रंट से आज लीड करके दिखाया और आई एम एब्सोल्युटली सो अमेज्ड कि उसने। सही बात है, आज अगर वो बैटिंग में आगे आ जाते तो ये मैच हारते हुए देखते हैं, यकीन करें कि बहुत अफसोस हुआ आज का मैच देखकर, क्योंकि मैं थारोली सीएसके को सपोर्ट कर रहा हूँ ड्यू टू एमएस धोनी। डेविड वार्नर, ऋषभ पंत और शॉ जैसे प्लेयर्स बल्लेबाजी करते हैं और उनका बैट अगर रन्स उगलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस किस्म के मैच को फिर संभालना दूसरी टीम के लिए। तो कैप्टन को क्या हुआ था? गायकवाड़ भी नहीं चला, कोई भी इनके मेन बैट्समैन नहीं चले यार। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह आपको बताया, जिस तरह की गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को आई दिल्ली कैपिटल की तरफ से, तो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज था सीएसके के सामने, जिसको यकीनन वो अबूर नहीं कर पाई। और तारीफ करना चाहूंगा एमएस धोनी की, हारने के बावजूद जिस तरह उसने परफॉर्म किया आज, तो वो कहते ना जैसे एक होली का एक समा था, हर तरफ पीला रंग ही रंग आपको नजर आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सकी सीएसके। लेकिन फिर भी तमाम सर जो उम्मीदें हैं अभी भी सीएसके साथ से, सीएसके के साथ वाबस्त हैं, और आई होप सो के आने वाले दिनों में आपको सीएसके की तरफ से बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने, बिल्कुल कम बैक किएगा। ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो कि इतना अरसे इंजरी के बावजूद आकर जिसने इतना जबरदस्त कैम कम बैक किया, कह सकते हैं कि आया और ऐसा आया कि छा गया, सीएसके जैसी तगड़ी टीम को पिछाड़ के रख दिया और जकड़े रखा इस पूरे मैदान में धोनी जैसे शेर को। तो यकीनन इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में आप देखेंगे धोनी इस पूरे जाल को तोड़कर उबर के फिर। यार मुझे आज, टू बी ऑनेस्टली मैं बात करूँ ना, मुझे ऋषभ पंत की कैप्टनसी बहुत अच्छी लगी है यार। उसने जो क्या कहते हैं खलील अहमद को उसने ग्रूम करके आगे उसने ओवर कराए, उसके बाद मुकेश कुमार से उसने ओवर करवाया। यार मैं कहता हूँ इस तरह की कैप्टनसी होनी चाहिए। अगर अगर सीएसके के अंदर धोनी कप्तान होता ना, ये मैच ना हारती। धोनी को आती है टीम चलानी। आपने पूछा ना कि किसकी कैप्टनसी अच्छी लगी, मैं स्कोर कार्ड देख के आपको बताता हूँ कि भाई मुझे क्या कहते हैं दूसरे टीम के कप्तान ऋषभ पंत की कैप्टनसी अच्छी लगी है। ये सीएसके के कप्तान ने क्या किया आकर, 10 स्कोर से ऊपर स्कोर ना कर पाया, ये क्या खाक कप्तान है। हर टीम का ना एक मेंटोर होता है, एक होता है जैसे कोच होता है, एक गाइडर होता है, सीएसके के अंदर अगर है तो वो धोनी है। आपने देखा नहीं यार, वो आते जाते कभी ऑफ के छक्के मारे, कभी लेग बाय का स्कोर निकाल रहे, कभी किसका स्कोर निकाल रहे। यार इस तरह के कप्तान होने चाहिए। वो सिंगल ही ले रहा था और भाई उसको पता ना कि बैक एंड के अंदर क्यों मेरे अलावा कोई है ही नहीं है। 8वें नंबर पे आके अगर इस तरह का बंदा 16 बॉल पे 37 स्कोर कर रहा है, तो यार ऐसे प्लेयरों को ना एग्जाम्पल होती है
इसको तो मुझे चाहिए कि हॉल ऑफ फेम मिलना चाहिए धोनी को इस मैच के बाद। मतलब कि धोनी बता रहा था कि रुको मैं आपको बताता हूँ, मैच तो हार गई हूं यार, मुझे अल्लाह की कसम अरे थाला भाई इस नंबर 7 के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार इस तरह की टीम ने परफॉर्म करके दिखाया। क्या आप लोग टेस्ट मैच खेलने आए हो? ये जितनी आप लोग ने बोले बीट किया उसी बॉल के अंदर आप लोग सिंगल डबल भी ले लेते तो स्कोर कहां का कहां चला जाता। और अगर मैं इसके जूनियर्स भी धोनी के इसी तरह के परफॉर्म करते तो मैच तो मतलब सीएसके का ही था। थाला की परफॉर्मेंस देखी है एंड आई एम सो हैप्पी, आज सुकून की नींद आई। मतलब कि हारने के बाद भी आपको सुकून की नींद आई? हार जी तो इसकी किसी न किसी की होनी ही थी, लेकिन थाला की बैटिंग जो है वो हर रोज देखने को नहीं मिलती। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही थी? मैं सीएसके को। आज इस एम एस धोनी को देखा यार सर पागल हो चुके हैं हम, चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का काम के ऐसा है। एमएस धोनी ने तबाही कर दिया सर, अगर एमएस धोनी को एक और ओवर देते तो शायद सीएसके विन कर देते। आउटस्टैंडिंग सर एमएस धोनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर, मजा आ गया यार आज मैच देख के। एमएस धोनी को मैं कहता हूँ पहले लेके आना चाहिए, ये सीएसके कभी नहीं हारना था मैच सर अभी तक किसी ने इतना नहीं। भाई बुरा क्या सर, मैं अपने वाले साहब कह रहा हूँ आज, मैंने कहा ये वाले साहब कहते हैं ये अभी तक 42 हो गया अभी तक खेल रहा है, मैं क्या उसका वो कैच देख लेते हैं, मैं क्या अभी 25 साल का लगता है वो नौजवान है। बुढ़ा शेर अभी भी जवान यार, बुढ़ा शेर ने आपके लिए बुढ़ा हो, काफी इंटरेस्टिंग काफी जबरदस्त है। और शेर अगर बुढ़ा हो गया तो भी वो शेर रहेगा। और काफी इंटरेस्टिंग काफी जबरदस्त की वीडियो था। और जिस तरह एम एस धोनी की परफॉर्मेंस थी उसमें कोई शक नहीं, कमाल के बेहतरीन की, जिस तरह वो कैच लिया था सबको दिखाया कि ये है एम एस धोनी। आपको कैसा लगा वीडियो तो जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे की तरफ अपना ख्याल रखें।